In the adjoining figure, ABCD is a trapezium in which AB parallel BC, AB parallel BC, and PQ are the midpoint of PQ are the midpoint of AD. The midpoint ये दोनों बराबर हो जाएगा और BC BC का midpoint तो ये दोनों बराबर हो जाएगा respectively. ठीक है. DQ and AB, DQ, DQ और AB produced meets at E. दोनों काम मिलेगा E point. Also AC and PQ meet and intersect at R. तो प्रूफ करना है कि DQ बराबर QE होगा. तो देखो फर्स्ट करना चलते हैं. तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल में चले तो लिख सकते हैं यहां पर इसमें कि इन ट्रायंगल कौन सा तो क्यू सी डी एंड क्यू बी ई जैसे चलो तो ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल तो एंगल डी क्यू सी इक्वल होगा EQB का कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब चलेंगे साइड तो ये बताओ QC इक्वल टू BC गिवन है. उसके बाद ये जो टोटल एंगल ये वाला और ये दोनों इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर तो लिख सकते हैं कि एंगल EBQ या तो DCQ तो DCQ बराबर EBQ कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे इक्वल होगा तो बताओ एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट. जैसे कॉन्ग्रुएंट मिला तब CBCT से इसके सामने वाला EQ और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये तो सामने वाला DQ तो बोल सकते हैं कि DQ इक्वल हो जाएगा किसका तो इसके सामने QE का. कैसे तो CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये से कैसे हुआ AACA से कॉन्ग्रुएंट कौन कौन तो ट्रायंगल QCD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QBE का. क्लियर. ये बना वन कांसेप्ट DQ इक्वल टू QE. अगर हमको देखना PR पैरेलल AB PR पैरेलल AB तो देखते हैं ये बताओ जैसे ही पता चल गया कि ये वाला बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को तो एक ट्रायंगल है हमारे पास AED तो अगर हम चले AED में. ठीक है. इसके पहले थोड़ा सा पेज बनाना पड़ेगा. चलो जैसे यहां पर देखें तो चले गए इसमें पी आर के सेकेंड पे चले तो चलते हैं ए ई डी इन ट्रायंगल ए ई डी. बताओ P is midpoint of AD and Q is midpoint of D. Q, DQ और E, DQ और QE equal है, तो Q क्या हो जाएगा midpoint. जैसे ही हो जाता है तब यहां से लिख सकते हैं कि P and Q is a midpoint of किसका AD का एंड डी का रिस्पेक्टिवली. जैसे ही देख लिए तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से वो थर्ड साइड का पैरेलल और थर्ड साइड का अभाव. तो लिखेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिलेगा मिड पॉइंट से तो मिलेगा
कि ये जो है पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए बी का, आल्सो पी क्यू हाफ भी होगा ए बी का, खैर सॉरी ए बी नहीं ए बी, क्योंकि ट्रायंगल ये है ये वाला हमारा। अब बताए बताओ यहां से कि ए ए जो है यानी ए बी है पैरेलल है डीसी का, गिवन है कि ए बी पैरेलल डीसी का, ये गिवन है। और इसमें ए और ए बी सेम है तो पी क्यू ए बी का पैरेलल, ठीक है, और ए बी डीसी का पैरेलल, तो कह सकते हैं कि इसलिए जो पी क्यू होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा डीसी का, और पी क्यू ये पूरा लाइन है तो क्या इसको पी आर भी कह सकते हैं छोटा सा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी आर भी होगा ये आल्सो डीसी का पैरेलल होगा, और ये क्वेश्चन नंबर टू का प्रूफ। अब ये पैरेलल नहीं प्रूफ करना है, बराबर करना है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि ये प्रूफ करना है कि ये जो है डायगोनल ये भी बाइसेक्ट करता कहां पर आर्क। तो देखो ये पैरेलल था, ये पैरेलल निकाले तो जैसे तीन पैरेलल लाइन मिला और ये है मिड पॉइंट, तो इससे जैसे पार करे तो क्या कहता है इंटरसेक्ट थ्योरम कि कोई भी तीन पैरेलल लाइन में बीच वाला अगर मिड पॉइंट है किसी का तो कोई भी लाइन खींच देंगे चाहे जैसे भी हो वो अपने आप में क्या होगा इक्वल। तो सोचो ये तीनों था पैरेलल लाइन, इसका ये मिड पॉइंट ये है और इससे जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाले आपस में क्या करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा आपस में, तो इसलिए जैसे लिख देंगे कि इन लिखेंगे हेयर डीसी पी क्यू ए आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड एंड पी इज द मिड पॉइंट, हेंस बाय इंटरसेप्ट थ्योरम ए आर इज इक्वल टू आर सी, क्लियर। और ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट, तो लिख सकते हैं कि हेयर थर्ड के लिए हेयर ए बी पी क्यू एंड सी डी आर थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस एंड एंड ए पी इक्वल टू पी डी, हेंस बाय इंटरसेप्ट थ्योरम इंटरसेप्ट थ्योरम क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा ए आर इक्वल टू आर सी, तो मिलेगा ए आर इक्वल टू आर सी, ठीक है। ये था क्वेश्चन का थर्ड, यानी तीनों क्वेश्चन का ही आंसर यहां तक मैं कंप्लीट, ठीक है, चलो नेक्स्ट।